हमारा क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड्स टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये कोई बॉल थी, ठीक है, इसको एक हाइट से गिरा और वो गिर गया यहाँ पे ग्राउंड में, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो लास्ट के 6 मीटर्स थे, मतलब मान लो कहीं ये जो लास्ट के 6 मीटर, मान लो इसे ये जो लास्ट के 6 मीटर्स थे, इसको इसको क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगा, 0.2 सेकेंड्स, उसे लगे 2.2 सेकेंड्स इसको ट्रैवल करने में, लास्ट के जो 6 मीटर्स थे। हमें ये बताने की इसकी टोटल हाइट कितनी थी, मतलब कितनी हाइट से इसे घेरा गया था, ठीक है। तो अगर ये 6 मीटर है तो हम क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं पहले इसकी। स्पीड कैसे निकालेंगे, मैं मान लो इसे स्पीड कैसे निकालेंगे, हाँ स्पीड निकाल रहे हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस, सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं मोशन की, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, ठीक है। अब लास्ट उसने कितना ट्रैवल करा, 6 मीटर उसने ट्रैवल करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसे रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, मतलब यहाँ से नीचे की चीज़ें मैं सारी पॉजिटिव मानूंगा और यहाँ से ऊपर की नेगेटिव, ठीक है, ये अपनी मर्जी होती है। अब u हमें निकालना है उसका, 0.2 सेकेंड उसने लिए हैं, ठीक है, और हाफ एक्सेलरेशन g उसकी 10.2 सेकेंड्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 5, यहाँ से 6 इक्वल्स टू 0.2 u प्लस, ये आया 5.8, ठीक है, नहीं सॉरी 5 × 0.04, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, यहाँ से यू क्यू अगर निकालते हैं 5.8 आएगी यहाँ पे, ये आएगा 0.2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास अब यू आ गया कि कितनी स्पीड से वो फेंका गया था, मतलब 29 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है उसकी टोटल हाइट क्या होगी, ठीक है। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ करूँगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये जो s है ये मैं टोटल s मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो s था ये मैं बस इतना 6 मीटर के लिए लिया था, ये s मैं टोटल हाइट के लिए मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा v कितना है, 29, ये जो हमने 29 मीटर पर सेकंड निकाला है ये इस पॉइंट पे निकाला है, ठीक है, कि मतलब इस पॉइंट पे आके इसकी स्पीड कितनी थी, तो ये हो गया 29 − 29² − 0² = 2 × 10 × s। अब हमें s निकालना है, ठीक है, s इक्वल्स टू 29 × 29/20, ये आया कुछ, ये अप्रोक्सीमेटली 42 के करीब आएगा, 42 मीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 42 मीटर निकाला है ये हमने यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकाली है, ठीक है। अब हमें टोटल निकालनी तो 6 उसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो टोटल उसकी हाइट कितनी हुई, 42 + 6 = 48 meters, ठीक है। तो 48 मीटर्स की ऊंचाई से उस बॉल को नीचे गिरा गया था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं,